श्रीगणेशाय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः वन्दे बन्दारुमन्दारुम् वृन्दावन विनोदिनीम् वृन्दावन कलानाथम् पुरुषोत्तम अद्भुतम् नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत आज पच्चीसवें अध्याय का पाठ सुधीर जन श्रवण करें पच्चीसवें अध्याय में दृढ़ धनवा उपाख्यान यम पुरुषोत्तम मास की उद्यापन की विधि बता रहे हैं कैसे करना चाहिए दृढ़ धनवा बोला हे ब्रह्म हे मुने अब आप पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाला मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए बाल्मीकि मुनि बोले पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूंगा पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना ज्यादा अच्छा रहता है इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल उठकर यथा लब्ध पूजन सामान्य से पूर्वान्ह की क्रिया को कर एकाग्रमन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे तीस ब्राह्मणों को निमंत्रित करें हे भूपति, अथवा यथा शक्ति अपने धन के अनुसार सात अथवा पांच ब्राह्मणों को निमंत्रित करें बाद में मध्यान्ह के समय सोलह शेर अथवा उसका आधा अथवा उसका आधा यथा शक्ति पंचधान्य से उत्तम सर्वतो भद्र मंडल बनावे बाद सर्वतो भद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण चांदी तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित चार कलश स्थापित करें चार बेहू के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना उन चारों कलशों पर क्रमशः वासुदेव हलदर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें पुरुषोत्तम मास के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलशयुक्त वहां लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जब के लिए चार ब्राह्मणों का वर्ण करें उनको अंगूठी के सहित दो दो वस्त्र देना चाहिए प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रयाश्चित प्रायश्चित गोदान करें तदंतर स्त्री के सहित पूर्वोक्त विधि से पूजन करनी चाहिए और वर्ण किए हुए चार ब्राह्मणों से चार व्यूह का जप कराना चाहिए और चार दिशाओं से चार दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करना चाहिए फिर नारियल आदि फलों से क्रम के अनुसार अर्घ दान करना चाहिए घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंचरत्न और यथालब्धोपचार अच्छे फलों को दोनों हाथों में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान अर्घ्य दान करें अर्घ्यदान का मंत्र है कहते हैं कि देव देव नमस्तुभ्यम पुराण पुरुषोत्तम गृहाण अर्घ्य मया दत्तम राधया सहिता हरी बंदे नवघन श्यामं श्याम दिभुज मुरलीधरम पीतांबरधरम देवम सराधम पुरुषोत्तम कहते हैं कि हे देव देव हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है हे हरे राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ को ग्रहण करें नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण दो भुजाधारी मुरली धात में धारण किए हुए पीतांबरधारी देव राधिका के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थ्यांत नाम मंत्रों से तिल की आहुति देवे इसके बाद उनके मंत्रों में से तर्पण और मार्जन करें बाद राधिका के सहित पुरुषोत्तम देव की आरती करें अब नीराजन का मंत्र कमल दल के कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव की सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता अब क्या है अब अब ध्यान मंत्र कैसे करें अन्तर्ज्योतिरत्नरन्तरत्न रचिते सिंहासने संस्थितम् बंशीनाद विमोहित व्रज वधू वृन्दावने सुन्दरम् ध्याये स कौस्तु प्रद्योतितोरस्थलम् राजद्रत्न प्रत्यग्र पीतांबर अनंतरत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंतर ज्योतिष्वरूप वंश शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए इसीलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और मणि से चलकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीतांबर को धारण किए हैं इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पीत वस्त्रधारी अच्युत वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पात्र देवे, बाद प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे सपत्नीक आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करें फिर ऋतुजो को उत्तम दक्षिणा देवे वछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गौ को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए तांबे का पीठ सुवर्ण का श्रृंग चांदी के खूर से भूषित करके कर देवे बाद घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र देवे स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रसन्नार्थ वस्त्र का उपवस्त्र का दान करें आठ प्रकार का पद देवे और एक जोड़ा जूता देवी यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचारता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमदभागवत का दान करें देरी नहीं करें करे श्रीमदभागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है जो वैष्णव ब्राह्मण को देवे तो वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरा गणों से विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है हजारों कन्यादान सैकड़ों धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुला दान आदि हैं आठ महादान और वेद दान हैं, वे सब भागवत दान की सोलहवीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं इसलिए भागवत को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित करो वस्त्र आभूषण से अलंकृत करो विधिपूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को देवे काशी के तीस में तीस तीस मालपुआ रख कर ब्राह्मणों को सात बार रक्षा सूत्र से लपेट कर ब्राह्मण को दान दें कहें हे पृथ्वीपति हर एक मालपुआ में जितने छिद्र होते हैं उतने वर्ष पर्यंत वैकुंठ लोक में जाकर वास करता है व्यक्ति बाद योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है जिस संता सनातन धाम को जाकर नहीं लौटते हैं ढाई शेर कासे का संपुट कहा गया है निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रतपूर्ति के लिए संपुट दान करें अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रसन्नार्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपुट में रखकर देवी हे नराधिप निमंत्रित सपत्निक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे अब प्रार्थना कैसे करना है कहते हैं कि हे श्री कृष्ण हे जगदाधार हे जगदानंददायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले मेरी समस्त श्लोक तथा परलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे, ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्तिपूर्वक गंधाक्षतक से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन का सामान का संकल्प करे अंगूर केला अनेक प्रकार के आम के फल घी के पके हुए सुंदर उड़द से के बने हुए चीनी के बने हुए घेवर फेनी खाण के बने हुए मंडक खरबूजा ककड़ी का साग अदरक सुंदर नींबू आम और अनेक प्रकार के अल अलग अलग साग इस प्रकार खडरसों से युक्त चार प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वाषित गोरस को परोश कर कोमल बाणी बोलता हुआ यह स्वादिष्ट है और इसको आपके लिए तैयार किया है प्रसन्नता के साथ भोजन कीजिए हे ब्रह्मन, हे प्रभु जो इस प्रकार इसे पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए मैं धन्य हूं आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ मेरा जन्म सफल हुआ इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबुल और दक्षिणा देवे इलायची लौंग कपूर नागरपान कस्तूरी जावित्री कत्था और चूना इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के प्रिय तांबुल को देना चाहिए इसीलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबुल देना चाहिए जो इस प्रकार तांबुल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख कर भोग कर परलोक में अमृत का भोक्ता होता है स्त्री के सहित ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवी और ब्राह्मणियों को विधिपूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर बंशी देवी, सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें फिर मंत्र बोले मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्ति हीनम जनार्दन यत मया देव परिपूर्णम तदस्तु में इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके ज स्मृत्या च नामोक्तिया तपो यज्ञ क्रिया दिशु बंदे संपूर्णता इस मंत्र श्री जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने में देने वाला हो यह कहकर यथा सुख अन्न का यथा भाग विभाग कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो की निंदा न करता हुआ कुटुंबीय जनों के साथ भोजन करें अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करें सुवर्ण की प्रतिमा प्रतिमा में राधिका की साथ सहित पुरुषोत्तम भगवान की पूजन करें पूजा के अंत में सपत्नी का वृत्ति चित्त होकर नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम भगवान का विसर्जन करें फिर आचार्य को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवी अपनी का दान को देवी। जिस उपाय से व्रत को और भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे स्त्री असभा अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र और दौर्भाग्य को प्राप्त नहीं होते जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ को जाते हैं श्री नारायण बोले इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधिपूर्वक आदर के साथ करता है वह इस लोक में सुखों को भोग कर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुषों के साथ गोलोक हो जाता है श्रीमन् नारायण 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 भज मन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ारायण नारायण नारायण हजमन नारायण नारायण गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपू गोकुलेसव मीशानं गोविंदम गोपिका प्रिय गोवर्धन धरम वंदे गोपाल गोपूम गोकुलेसव मीशानम गोविन्दं गोपिका कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीबृहत् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तमाशमहात्म्य श्रीनारायण नारदसंवादि दृढधन्योपाख्यायने विद् व्रतोऽध्यापनविधिकथनं नाम पञ्चविंशोऽध्यायः एक बार बोलो प्रेम से श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय